हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करांगे अपना अज का टॉपिक की है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट दे विच ऑपरेटर्स की होंगे। जावास्क्रिप्ट इनकलूड्स ऑपरेटर्स एज इन अदर लैंग्वेज। कहिंदे जावास्क्रिप्ट विच भी की होंदा है होर लैंग्वेज की तरह ऑपरेटर शामिल होंगे है। एन ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन सिंगल और मल्टीपल ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट। एक ऑपरेटर की होंगे सिंगल ज मल्टीपल ऑपरेंड्स से कुछ ऑपरेशन नू परफॉर्म करता है और उस तो बाद उदा की करता है रिजल्ट दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस टू वेयर्स प्लस साइन इज एन ऑपरेटर एंड वन इज लैफ्ट ऑपरेंड्स एंड टू इज राइट ऑपरेंड्स। एग्जाम्पल दे विच की दिता गया है जिमें वन प्लस टू किया तो ये जो प्लस है सिंबल है वह की है ऑपरेटर है, जो वन है वह लैफ्ट ऑपरेंड्स है तो जो टू है वह की है राइट ऑपरेंड्स है। प्लस ऑपरेटर्स एड्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट विच इज़ थ्री इन दिस केस। कहते जो प्लस ऑपरेटर है वह दो न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ता है उस तो बाद की है वह रिजल्ट दिता है, जिमें कि इस केस के थ्री रिजल्ट दिता है वन ते टू नू प्लस करके। मीन सिंपल शब्दों में असं की कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स की होंगे है एक सिंबल्स होंगे है जिहड़े ऑपरेंड के उपर की है कोई भी एक्शन है जिहड़ा वो परफॉर्म करते हैं। सिंटैक्स इहदा दस्सिया गया है लैफ्ट ऑपरेंड्स फिर ऑपरेटर फिर राइट ऑपरेंड्स। लैफ्ट ऑपरेंड्स जां ऑपरेटर्स। नैक्सट आपां गल करते हैं जावास्क्रिप्ट दे विच किहड़े किहड़े ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, जिमें फर्स्ट की है अरथमैटिक ऑपरेटर है, सैकेंड कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, नैक्सट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड फिफ्थ की है कंडीशनल ऑपरेटर। हुण आपां फर्स्ट करते हैं अरथमैटिक ऑपरेटर किहड़ा होंदा। अरथमैटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमैटिकल ऑपरेशन बिटवीन न्यूमेरिक ऑपरेंड्स। अरथमैटिक ऑपरेटर्स किहड़े होंदे है जिहड़े न्यूमेरिक ऑपरेंड्स के उपर मैथमैटिक जो भी ऑपरेशनस है उन्होंने परफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी मैथमैटिक कैलकुलेशनस होंगी है एडिशन करना माइनस करना डिवाइड करना मल्टीप्लीकेशन करना वो सारे जड़े एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। हुण इहदे विच फर्स्ट ऑपरेटर की है प्लस है, तो डिस्क्रिप्शन दे विच की दिता है दो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन्हों जोड़ना। नैक्सट ऑपरेटर किहड़ा आ जाता है सबट्रैक्ट, ये की करता है खब्बे ऑपरेंड तो सज्जे ऑपरेंड नू घटाउंदा है जां माइनस करता है। नैक्सट आ जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दे विच की हुंदा है दो ऑपरेंड्स नू की कीती जांदी है गुणा कीती जांदी है। नैक्सट है डिवाइड, इहदे विच की हुंदा है खब्बे ऑपरेंड नू सज्जे ऑपरेंड नाल वंडिया जांदा है डिवाइड किया जाता है। मड्यूल्स ऑपरेटर दे विच की हुंदा है दो संचालक का जो बाकी हुंदा है मतलब रिमाइंडर आउंदा है उसनों की किया जाता है रिटर्न किया जाता है। नैक्सट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये की हुंदा है एक तो बाद वैल्यू नू बधाया जाता है, तो नैक्सट आ जाता है डिक्रीमेंट, ये एक वैल्यू नू की किया जाता है घटाया जाता है। जिमें नैक्सट यदि एग्जाम्पल दे विच इन्हों परफॉर्म करके दिखाया गया, जिमें देखते हैं आप फर्स्ट दे विच की किता है वेरिएबल एक्स इज़ इक्वल टू फाइव लैथ, वाई इज़ इक्वल टू टेन एंड जैड इज़ इक्वल टू फिफ्टीन। जेकर हुण एक्स प्लस वाई नूं आपां प्लस किया तो यदा रिजल्ट किन्ना होगा रिटर्न किन्ना होगा फिफ्टीन, मीनस एक्स की वैल्यू फाइव सी वाई की टेन सी तो दोनों का प्लस करता। उस तरह ही इन्हों दोनों के किया वे माइनस किया, जे आप टेन के फाइव में माइनस करा तो यदा रिटर्न किन्ना होगा फाइव, जेकर इन्हों मल्टीप्लाई करा तो वह आंसर की आऊगा फिफ्टी, जेकर उन्होंने डिवाइड करा तो वह आंसर टू है, जेकर डिवाइड कर मड्यूल्स करा आप जो रिमाइंडर हों बाकी हों वैल्यू कि आऊगी वन आऊगी। तो जेकर आप एक्स प्लस प्लस मीनस हूँ इंक्रीमेंट करते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइव दिती सी उस प्लस वन करा रिजल्ट सिक्स आऊगा, जेकर डिक्रीमेंट करा एक्स की वैल्यू जिमें फाइव है वो आप वन माइनस करते हैं तो वो रिजल्ट मतलब रिटर्न वैल्यू कि आऊगी फोर आऊगी।
नैक्सट प्लस ऑपरेटर परफॉर्म कंटेंशन ऑपरेटर ऑपरेशन वैन वन और ऑफ द ऑपरेंड्स इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप मीनस की होंगे ये दसा है कि जेकर एक ऑपरेंड्स स्ट्रिंग टाइप का हो नुमैरिक हो तो उसते आप किमें परफॉर्म करते हैं जो अर्थमैटिक ऑपरेटर होंगे है ये की है जिमें वेरीएबल ए इज इक्वल टू फाइव है वी दे विच की दिता इज इक्वल हैलो सी दे विच इक्वल वर्ड तो डी दे विच टेन तो जेकर आप ए प्लस बी करांगे तो फाइव हैलो रिजल्ट आएगा जे बी प्लस सी करांगे तो की आऊगा हैलो वर्ड जेकर ए प्लस डी करांगे तो रिजल्ट कितना आऊगा 15। नैक्सट आप करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑपरेटर्स दैट कंपेयर टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वुलन वैल्यू ट्रू और फॉल्स मीनस जावा स्क्रिप्ट दे विच की हुंदा है कहिंदे जो कंपैरिजन ऑपरेटर हुंदे आ वो दो ऑपरेंड्स की कंपेयर मीनस तुलना करते हैं अते वुलन वैल्यू मीनस ट्रू जां फॉल्स नूं रिटर्न करते हैं मतलब जिहड़ा रिजल्ट हुंदा वो ट्रू जां फॉल्स दे विच होगा ये किड़े किड़े ऑपरेटर्स आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के सिंबल यूज होंगे है जिमें फर्स्ट हैगा इक्वल टू बिना किसी किस्म के विचार किए जदों दो ऑपरेंड की समानता की तुलना की जाती है। नैक्सट आ जाता है ट्रिपल असाइंस इस किस्म के होंगे दो संचालकों की बराबरी की तुलना की जाती है। नैक्सट है नॉट इक्वल टू ये की होंगे दो संचालन की असमानता की तुलना की जाती है। नैक्सट आ जाता है ग्रेटर दैन ये जांच करता है कि खब्बे पासे की जो वैल्यू है वह सज्जे पासे की जोड़ी वैल्यू नालों वड्डी है जेकर हाँ तो उसका रिजल्ट की आऊगा ट्रू नहीं तो फॉल्स। नैक्सट आ जाता है लैस दैन ये की है ये जांच की जाती है कि जो खब्बे ऑपरेंड है वो सज्जे ऑपरेंड तो घट जा नहीं जे है तो उसका रिजल्ट की आऊगा सही मतलब ट्रू है नहीं तो उसका रिजल्ट की आऊगा फॉल्स आऊगा। नैक्सट आ जाता है ग्रेटर दैन इक्वल टू ये की होंगे ये जांच की जाती है कि जो खब्बे ऑपरेंड्स है वो सज्जे ऑपरेंड्स तो वड्डे है जां बराबर है जे है तो ट्रू है नहीं तो उसका आंसर की आऊगा फॉल्स। इस तरह ही की आ जाता है लैस दैन इक्वल टू ये की जांच की जाती है कि जो लैफ्ट ऑपरेंड्स है वो राइट ऑपरेंड्स तो घट है जां इसके बराबर है जे हाँ है तो उसका आंसर ट्रू है नहीं तो फॉल्स है मीनस ये की जाती होंगी है कंपेयर की जाती है टू ऑपरेंड्स की। नैक्सट ऑपरेटर आ जाता अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दे विच की होंगे दो जां दो तो वधेरे जो कंडीशनस है उन्होंने जोड़न लई लॉजिकल ऑपरेटर की वरतों की जाती है। जावा स्क्रिप्ट दे विच की है लॉजिकल ऑपरेटर किन्ने होंगे है तीन होंगे है फर्स्ट है एंड ऑपरेटर सैकेंड और ऑपरेटर ते थर्ड होंगे नॉट। ये फर्स्ट की है एंड ऑपरेटर दे विच की होंगे कहिंदे जेकर एक भी फॉल्स है जे एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो जिहड़ा उहदा आंसर है वह की आऊगा फॉल्स ही आऊगा जेकर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंदियां तो उहदा आंसर की आऊगा ट्रू आऊगा। और दे विच की होंगे ए एंड दे उल्ट होंगे ये की होंगे जेकर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उहदा आंसर की होगा ट्रू होगा जेकर दोनों फॉल्स है तो ही उहदा आंसर की आऊगा फॉल्स आऊगा। नॉट दे विच की होंगे ये जेकर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका रिटर्न फॉल्स होगा जेकर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका रिटर्न की होगा ट्रू होगा। नैक्सट ऑपरेटर आ जाता असाइनमेंट ऑपरेटर। जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है जोड़े वो यूज होंगे है असाइनमेंट ऑपरेटर की होंगे वेरीएबल नूं कोई भी वैल्यू निर्धारित करने के लिए घट कुंजी स्ट्रोक से यूज होंगे है। असाइनमेंट ऑपरेटर केड़े केड़े आ जाते हैं जिमें इक्वल है ये की होंगे खब्बे ऑपरेंड सज्जे ऑपरेंड है जोड़ा वो वैल्यू नूं निर्धारित करता है। नैक्सट है प्लस इक्वल ये की आ जाता है खब्बे सज्जे ऑपरेंड मुल वैल्यू
ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਓਪਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਓਪਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਓਪਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਓਪਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਓਪਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਲੈਫਟ ਓਪਰੈਂਟਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਓਪਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਓਪਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਡਿਊਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਓਪਰੈਂਟ ਦੇ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਓਪਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਓਪਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟੈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ। ਟੈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਓਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਟਰ ਸਕਾਲ ਟੈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਅਸਾਈਨ ਏ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਜੋ ਟਰਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।